अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली बाइट्स। रमज़ान मुबारक हो आप सबको। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का रेसिपी है आलू और चिकन का कोरमा। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ सूखे मसाले, खसखस, सूखा कोकोनट, पीनट्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा और दालचीनी, कुछ हरे मसाले, धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज, दही 1 कप, प्याज 1 कप, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। क्वांटिटी मैं आपको बताते जाऊंगी जब मैं डालूंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इन मसालों को अच्छे से रोस्ट करेंगे तवे पर। सूखा कोकोनट, पीनट्स और खसखस को 1 by 1। सो गाइस, ये मैंने ले लिया है तवा और इसको आप अच्छे से गर्म होने देना, उसके बाद में हम रोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया है और मेरा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते हैं। गाइस, ये सूखा कोकोनट है तो ये आसानी से कटेगा नहीं, तो आप चाहो तो काट सकते हो वरना आप ऐसे ग्रेट कर लिया ले सकते हो। ये देखिए गाइस, हमारा कोकोनट रोस्ट हो चुका है। अब बारी है पीनट्स की। ये 1/2 कप पीनट्स हैं गाइस। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी पीनट भी रोस्ट हो चुकी है। अगर आप पीनट की जगह बादाम, काजू और अखरोट भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे खसखस। ये देखिए गाइस, हमारे तीनों मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें इनको पीस कर पेस्ट बनाएंगे। आपको थिक पेस्ट बनाना होगा। ये देखिए गाइस, इसका पेस्ट बन चुका है और पेस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी थिक होनी चाहिए और बहुत अच्छे से पीस कर तैयार किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे एक बर्तन। ये देखिए, मैंने बर्तन रख लिया। अब इसमें हम डालेंगे तेल। सो गाइस, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। 1 कप प्याज डालेंगे हम। गाइस, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकाना है, याद रखिएगा। तो गाइस, ये देखिए, हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे वो पेस्ट जो हमने अभी रोस्ट कर पीसा था। देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छे से हमने मिक्स किया है। अब हम इसको पकने देंगे। तो गाइस, अब इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 से 3 चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स करें। अब फौरन इसमें ऐड कर दें मिर्ची, धनिया और हल्दी का पाउडर। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही 1 कप। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब दही में जो मॉइस्चर होता है उसको सूखने तक पकाना है हमको 5 मिनट। गाइस, ये देखिए, ये पक रहा है मसाला। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने काट कर रखा है। मैंने 3 आलू लिए हैं। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम डालेंगे गरम मसाला
अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरा मसाला जो हमने काट कर रखा हुआ था, धनिया पुदीना और हरी मिर्च। इसको अच्छे से मिलाए मिक्स कीजिएगा और फिर हम डालेंगे जीरा और दालचीनी। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और 2 मिनट तक पकने देते हैं। ये देखिए गाइस, मसाला तेल छोड़ने लगा है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम ऐड करेंगे हमारा चिकन जो हमने 2 पानी से धोया है। तो ये हमने डाल लिया है चिकन, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे क्योंकि जो हमने पहले डाला था वो सिर्फ मसालों को पकने के लिए डाला था। ये देखिए गाइस, चिकन पक रहा है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए क्वांटिटी, आप पानी उतना डालिए और इसको अच्छे से पकने दीजिए क्योंकि चिकन हम कढ़ाई में गला रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसे कि आप इसको ढककर 20 मिनट तक रख सकते हैं सिम आंच पर। ये देखिए गाइस, मैंने पानी डाल लिया है और आप देख सकते हैं ग्रेवी अभी भी गाढ़ी है, तो जब ये पककर तैयार होगी तो और भी थिक हो जाएगी। तो अब हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक, इसको ढककर पकाइएगा। सो गाइस, इसको ऐसे ढक दीजिएगा 15 से 20 मिनट तक, इसको धीमी आंच में पकाइएगा ताकि आपका चिकन और आलू दोनों अच्छे से गल जाए और पक जाए। सो गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो फॉर मोर रेसिपीज। गाइस ये देखिए हमारा कोरमा तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।